हाँ भाई, कोई टाइम सी इस संसार दे अंदर ना कोई पहाड़ सी, ना कोई दरिया, ना कोई समंदर, ना कोई वनस्पति, और जिसनु महापरलो कहिंदे है, ऐसा वातावरण सी जिदे विच के सारी सृष्टि दा जो भी समान रचना दिसदी है सब समाप्त हो जांदी है। उस परमात्मा दे अंदर फुरना फुरिया ख्याल आया, गुरु नानक कहिंदे एका कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। बस कहण दी देर सी, सचखंड रचता। और इस तरह थले दे मंडल सारे रच दिते, वनस्पति सब कुछ ही रच दिती, इंसान पैदा कीते। ख्याल आया कि हुण की करन, किधर जान, और किस तरह ये आत्मा मेरिया अंसा हन आपदे पास मैं बुलावा। वो परमात्मा इंसान बन के इंसाना विच आया, क्योंकि इंसान का टीचर केवल इंसान ही हो सकता है। अगर कोई देवता या फरिश्ता बन के आउंदा, असी उसनु देख ना सकते। अगर वह वनस्पति दे विच आउंदा या पशु पंछियों विच आउंदा, असी उसकी बोली ना समझ सकते। इंसान का टीचर केवल इंसान ही हो सकता है। वो परमात्मा साढ़े जैसी शक्ल धार के साढ़े विचकार आके रहिंदा है, और बड़े प्यार दे नाल वो सानू समझाउंदा है। किस तरह, जिस तरह खाना बदोश किसी दे बच्चे नू उठा के लै जांदे है, बेशक शुरू दियां हरकतां उस बच्चे नू अच्छियां नहीं लगदियां, लेकिन रोज दी सोबत संगत दा असर हो जांदा है। माड़ी दा माड़ा, चंगी दा चंगा, आखरो खाना बदोशां दी ही नगरी उन चंगी लगदी है, उसे खान पान चंगा लगदा है। पिता देख के उसकी हालत नू बड़ा नाराज है, दुखी है कि एक मेरा बच्चा होके किड्डे घर दा मालिक है, ये किड्डा दुखी हो रहा है। वो उसनू समझाउण वास्ते खाना बदोशां जैसा ही भेस बना लैंदा है, उन्हना जैसी बोली सिखदा है, लेकिन बच्चा उन्हां दे मोह विच बज्जा होया, पिता नू पछाण नहीं सकदा, पिता की गल सुनन वास्ते तैयार नहीं हुंदा। लेकिन जब कुछ दिन पिता की सोबत करदा है, क्योंकि पिता का तो एक भेस ही तारिया होया है, उन्हें जो कम करना है वो सिर्फ बच्चे नू उत्थों निकालना ही है। रोज की सोबत संगत ने उस दे अंदर भी हुबल वतनी पैदा कर दिंदा है। पिता चाहुंदा है कि मैं इनू अखां दे नाल दिखावां कि तेरा किड्डा घर सचखंड है, तू किस बाप दा पुत्र है, वो जमण मरण दे विच नहीं आउंदा, तैनू भी इस तो बरी करा देवेगा। आखर रोज की सोबत रंग लियांदी है, वह बच्चा भी तैयार हो जाता है। इस तरह वह परमात्मा सानू लैण वास्ते आउंदा है, साढ़े जैसे आ वह भेस धारदा है, साढ़े तरह गल्लां करदा है। शुरू शुरू दे विच असी उहदियां गल्लां ते इतवार भी नहीं करदे गे, क्योंकि साडा प्यार ये खाना बदोशां दी नगरी दे विच पिया होया है। तुसी देख लो कदे जीव किते जन्म लैंदा है, कदे किते लैंदा है। आखिर रोज रोज की जिन्नी असी उहदे नाल सोबत करदे हैं, उहदियां गल्लां सुणदे हैं, साडे अंदर भी साडे वतन की याद आ जाती है। और वह सानू जिस तरह बहुत सारे मुसाफरां नू चुक के हवाई जहाज जमीन विच उड़ के मंजिल ते पहुंचा दिंदा है, समुंदर सब चीर जांदा है, पहाड़ां दे उपर दी नंघ जांदा है। इसे तरह गुरु भी आत्मा नू नाम दे जहाज विच बैठा के वह भी उडारी
मार जाता है और सचखंड लै जाता है। रस्ते दे विच जिन्नियां उचियाईयां नवाणा डूंघाईयां आउंदियां है सब नू पार करके लै जाता है। बच्चे नू दिखाउंदा है कि देख बेटा, मैं तेरी खातर टट्टी पिशाब का चोला धारण किया सीगा, सिर्फ तेनू लैण वास्ते ही जो कुछ उपराले सन, हुण तू इस दा मालिक है, आप आराम नाल इस नू माण। सानू पता ही है जो आपां हवाई जहाज की टिकट लैने हैं, साडी जिम्मेवारी सारी उस महकमे उपर है। उन्हां नू साडा फिक्र हुंदा है कद पहुंचाउणा है। नाम दे जहाज की, शब्द दे जहाज की, नाम दे जहाज की टिकट किहड़ी है जिहड़ा असीं बाहर आके संतां तों नामदान प्राप्त करते हैं, रस्ता प्राप्त करते हैं। साडा फर्ज बनता है कि जिस तरह असीं हवाई जहाज के अंदर नतड़क होकर बैठ जाने हैं और उन्होंने कर्मचारियों की जिम्मेवारी से सब कुछ छड़ दें हैं, उन्होंने भरोसा है कि यह सही तरीके उड़ान भरनगे और सही तरीके उतारनगे। इस तरह अगर असें भी अपने गुरुदेव के उपर पूर्ण भरोसा करके नाम के जहाज में बैठे रहिए, वह भी सानू आपकी जिम्मेवारी समझदा होया मंजिल ते पहुंचाउंदा है। हाँ, श्री राग महला पंजवां पन्ना गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार सतगुरु दाता जी का गुरु अर्जन देव का एक शब्द रखा जाता है। आप कहते हैं कि साड़ी पूजा दे काबल दो ही हस्तियां हैं, एक परमात्मा है, एक सतगुरु है। हुण सवाल पैदा होता है असी उस परमात्मा की किस तरह सेवा करिए, किस तरह पूजा करिए और किस तरह उहदे बचना नूं मन्नीए, क्योंकि ना असीं उसका बचन सुन सकते हैं ना परमात्मा नूं देख सकते हाँ। आप कहन लगे कि सतगुरु जो है वह परमात्मा रूप है, उहदे शिक्षा का पालना करना, उहदे बचना दे उत्ते चलना सेवक का धर्म है और सेवक की ड्यूटी है और यही वध तो वध साडी कामयाबी की कुंजी है। क्योंकि सतगुरु जिस तरह परमात्मा नूं असीं कण कण दे विच व्यापक समझदे हैं, सतगुरु जो पावर है शब्द रूप गुरु वह भी कण कण दे विच व्यापक है, कोई शै उहदी ताकत तो बगैर चल नहीं रही। सानूं पता ही है कि बंदे दे उपर भरोसा लिआउणा बड़ा ही मुश्किल है, आप जैसी शक्ल वाले नूं भगवान मन लेना बड़ा ही औखा है, लेकिन ऐसा करे बिना सरदा भी सानू नहीं। सानू पता ही है कि शकल डॉक्टर और मरीज की इको जी है, वो करा रहा है, डॉक्टर देखभाल के भाल करके उसकी दवाई दे के उसनों आराम पहुँचाता है। इस तरह असी लोग विशे बकारा दे काम क्रोध के रोगी हाँ, सतगुरु रोग तो रहत है, वो सानू दवाई ऐसी दिंदा है जिदे नाल साडी आत्मा तंदुरुस्त हो जाती है। इस वास्ते वो साडे नाल अंदरों अलग है। किस तरह के असी दुनिया नाल जुड़े हुए हैं, वो परमात्मा नाल जुड़िया होया है, उस पोल ते परमात्मा कम कर रहा है। सतगुर दाता जी का सबसे दे सतगुरु बचन कमावने सच्चा एहो विचार इन साधु संगत रतियां माया मो सब चार। हुण आप कहंदे है जिन्ना चिर असी ऐसे महात्मा की
संगत और सोब दे विच नहीं जांदे गे, अपने आप नू ओ संगत दे मुताबक नहीं ढाल दे गे। उन्ना चिर असी इस भरम जाल चो जो काल भगवान ने माया रूप रच रख्या है निकल नहीं सकदे गे। भरम केड़ी चीज है जिस नू अज पकड़ी बैठे हैं समाज, कौम, बच्चे, जायदादां, धन दौलत, जो कुछ भी सानू अज प्राप्त है, सानू पता है इन्हों का तअल्लुक साडी देह वजूद दे नाल है। इन्हां दे विच्चों आखिर साडे नाल कोई वस्तु नहीं जांदेगी। इस वास्ते एदू वध भरम होर की हो सकता है। जिहड़ी चीज ने साडा साथ ही नहीं देना गा, उस नू असीं किस तरह घुट के पकड़िया होया है। बिन साधु संगत रतियां माया मो सब छार, मेरे साजन हर हर नाम समाल। साधु संगत मन बसै पूरन होवे काल। गुरु अर्जन देव जी बड़े प्यार नाल समझाउंदे आ कि प्यारिओ सज्जणो, तुसी नाम दा आसरा लो, दुनिया दे आसरा नूं छड्डो और नाम दे सहारे जिंदगी बतीत करो। जदों साडे अंदर नाम जपण दा शौक पैदा हुंदा है और जब साडे अंदर सुत्ते जागदियां सत्संग दा ख्याल वस जांदा है कि असीं सत्संग दे विच जाणा है, और उस वेले जिहड़ी साडी कालणा इंसानी जामे वास्ते काली हुंदी है, पिछे शुभ कर्म कीते हुंदे है, परमात्मा उहनां दा इनाम देण वास्ते ही सानू इंसानी जामे च भेजदा है, और इहदे विच आउण दा की है, सत्संग करना, नाम दा जपना और अपने फर्ज समझने जो सानू परमात्मा दी तरफ मिले हन। सत्संग दी महिमा नू बाबा सावन सिंह ने समझिया और समझ के अपने प्यारे गुरमुख शिष्य नू परम पिता कृपाल नू यही किया कि जिन्ना चिर मंजे ते पासा लै सकदे हो उन्ना चिर सत्संग नहीं छड्डणा गा। बाबा सावन सिंह दे माता जी चोला छड्डण लगे आपदे पिंड महिमा सिंह वाले विच। हालांकि माता नू बाबा जैमल सिंह ने पहला चेतावनी देती सी कि फलाने टाइम मैं लै जाऊंगा, जद माता ने जानकारी सावण नू दिती वो उदास हो गए। माता पुछण लगी की गल बरखरदार, तू उदास क्यों है? वो कहन लगा माता जी मैं तुहाडे जानते तो उदास नहीं, क्योंकि जो बाबा जी नाल जाने हो मैनू कोई इतराज नहीं गा। ये उदासी जरूर है कि कल नू डेरे दे अंदर सत्संग है, लोग प्रेमी जिन्ने भी है सत्संग सुनने वास्ते आउणगे, बेशक उत्ते मेरे थां कई ड्यूटी निभाउण वाले है, उन्हां नू खाना भी देणगे, सब कुछ करनगे, लेकिन जद मैनू उन्हां ने ना देखिया सारे उदास होके मुड़नगे, इस चीज़ की मैनू उदासी है। वो कहिंदी मैं अंदरों फिर दरियाफ्त करदी हाँ, जद सावण दी बेनती बाबा जैमल सिंह कीती, वो कहने लगे उन्हां नू कहो कि सत्संग करे आउण, मैं फिर तेनू कल नू आके लै जाऊंगा। वो कहने लगे कि बड़ी खुशी ते तुसी जाके सत्संग करिया हो। बाबा जी कहिंदे मैं फिर लै जाऊं, जद वो डेरे दे अंदर जिहड़ा कि 50-60 मील उत्थों दूर पैंदा सीगा सत्संग कीता, दिल च ख्याल आया कि बाबा जी ने कहा सीगा बई मैं तेरे आया तो ले जाऊंगा, अज बड़े थके हैं, संगत काफ़ी आई हुई है, क्यों ना आराम कर लीए। उन्होंने उस दिन डेरे दे विच आराम किया। अगले दिन कुछ प्रेमियों नू कहा कि माता जी चोला छड़ रही है, जे किसी ने दर्शन करने हैं तो आओ भी मैं लै चला। कुछ प्रेमी साथ गए, जब वह महिमा सिंह वाले पहुँचे गांव तो बाहर बाहर ही कुछ आदमियों ने पूछा कि माता जी का की हाल है। वो प्रेमी कहन लगे कि
राती बाबा जैमल सिंह आए सीगे, वह पुछते सी कि बरखरदार आया है, क्योंकि सावर नू बाबा जैमल सिंह बरखरदार करके ही ज्यादा बुलाते सन। पंजाबी का एक कहावत है जिदे ना ज्यादा प्यार होवे उनू माता पिता बरखरदार ही कहिंदे है। तो जदों घरे गए माता जी उस तरह शरीर विच सन, होशोंबाल सन। जद पुछया वह कहन लगे राती बाबा जी ये कह गए सी, कहन लगे अखां बंद करके हुण पुछोगा। उन्होंने जद अखां बंद कीतियां वह कहन लगे कि सावण सिंह आ गए है, और वह कहन लगे बाबा जी कहिंदे है कि आ जाओ हुण अंदर। तो महाराज सावण सिंह ने कहा मैं खुश होकर तुहानू तोरदा हां, तुसी जा सकते हो, हुण तुसी देख सकते हो कि उस महान हस्ती सावण नू किन्नी सत्संग की कदर सी। सत्संग पिछे माता जान कनियो नहीं नाराज सन, लेकिन सत्संग नू छड्डण पिछे नाराज सन। साधु संगत मन वसे पूरन हो कहिंदे है गुरु समरथ पुरश है जो चाहे कर सकता है। कहिंदे ओ गोचर है, ओदा स्वरूप बड़े उच्चे भागां वाले है, जेडे सिमरन दे जरिए अपने ख्याल नू तीसरे तिल ते एकागर करदे है। सूरज चंद्रमा सितारे पार करके गुरु स्वरूप नू प्रगट कर लेंदे है। आप कहन लगे वह बड़े भागां वाले है, बाहर भी उहदा दर्शन जिहड़ा है वह निर्मल है, प्योर है, उच्चे भाग वाले ही ऐसे महान हस्ती नूं देख सकते हैं। देस रूप गुरु देवी महात्मा ने बड़ी महिमा गाई है, क्योंकि अगर सानू देस रूप गुरु ना मिलदा असी शब्द स्वरूप गुरु नूं समझ ही ना सकते, पकड़ ही ना सकते गे। और जिस तरह असी उच्चियां क्लासां जाके अपने टीचर दा सियाने जिहड़े है वह हमेशा आदर करते हैं, बाबा सावण सिंह जिस टीचर तो विद्या प्राप्त उन्होंने की सी सदा ही उसका आदर करते रहे सन। उन्होंने जिहड़ा टीचर सी वह उन्होंने स्कूल वक्त दियाँ कई कहानियां भी सुना हुंदा सीगा। जद मालक दे प्यारे संत महात्मा इस संसार विच आउंदे है वह कुदरत दे निजमां मुताबक ही अपना जीवन आरंभ करदे है। जिथे उन्हां नूं जन्म दे दिंदा है परमात्मा अपने मकसद नूं अखां दे अगे रखदे है। अगर गरीब घर विच पैदा होए तां उन्हां ते कोई गरीबी का असर नहीं हुंदा गा, जिस तरह रविदास ने जुतियां गठियां, कबीर साहब ने ताणा तणिया, गुरु नानक देव जी ने खेती करी, इसे तरह सारिया महात्मा ने अपने किते नूं बुरा नहीं मन्या। सानू भी सलाह दित्ती कि तुसी भी प्रसारित करो, लेकिन वह भगवान भी है और इंसानां दे विच रहिंदा करके इंसान भी है, अंदरों भगवान है, वह जो चाहे कर सकता है। बुल्ले ने कहा सी गुरु जो चाहे सो करदा है, गुरु खाली भांडे भरदा है। गुर ते बाहर किछ नहीं, गुर की ता लोड़े सोई, गुर
पूरण हार गुरदातार नाम दे उदरे सब संसार। हुण आप कहंदे है साडा तीर्थ भी गुरु है, इशनान भी गुरु है, गुरु साडे वास्ते ओ दरख्त है कि जिस दे थले जाके सारियां कामना बंदे दियां पूरियां हो जांदियां हन। कहिंदे ओ इतना वड्डा नाम दा भंडार लैके संसार विच आया है, अगर सारा ही संसार ओदे कोले आ जावे तां ओ ए नहीं कहिंदागा कि मेरे कोले इतनी ही दात है, बल्कि ओ सारियां दा भी उधार कर सकदा है, लेकिन असी आपो अपने भागां दे मुताबक ही उस तो दात प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो महात्मा आके दात सदा ही मुफ्त वांटते हैं, उसकी कोई फीस नहीं लाते गे, की मुश्किल है। लेकिन असी अपने भागा मुताबक अपनी श्रद्धा मुताबक ही वो तो प्राप्त कर सकते हैं। गुरदातार नाम दे उदरे सब संसार, गुर समरथ गुर निरंकार, गुर उच्चाय अगम अपार, गुर की महिमा अगम है, क्या कथ है कथन हार। गुरु अर्जन देव जी महाराज दसदे है क्योंकि जिसने मिश्री खादी है मिश्री का स्वाद ओ ही दस सकता है, जिसने गुरु की आग्या का पालन किया ओदे हुकम नूं मन्निया अंदर जाके जैसा गुरु सी वैसा उसनू देखिया। ओ महात्मा अपनी लेखनिया च जिक्र करदे है कि साडा गुरु निरंकार है, ओ समर्थ है, ओ सदा थिर है। आप कहण लगे कि ओ अगम है, अपार है, जिसकी महिमा कथी नहीं जा सकती गी। सहजो बाई ने कहा सी अगर सारे समुद्रां दी मैं सारी बनस्पति दी मैं कलम बना लवा और सब पहाड़ां दी शाही बना लवा, सारिया समुद्रां दे विच कोल लवा और सारी धरती का कागज बना लवा, मैं फिर भी आपदे गुरुदेव की महिमा बयान नहीं कर सकती गी। और वो जो है सो है। मैं दसदा हुंदा कि एक मौलवी नाल मेरा बड़ा प्यार सीगा, उन्हें सदा ही जब असी इकट्ठे होना इस गल ते जोर देना कि बंदा खुदा हो ही नहीं सकता, तू गलत चलदा है, वो मेरिया अखां दे विच खुदा नहीं जिहड़ा तेरा गुरु है। मैं उन्हूं हस के कहा कि वेख भी सजना ये तो हुण आपो अपनी अख का सवाल है, लेकिन जे तू मेरिया अखा भी दी देखे तो तेनों भगवान तो घट नज़र नहीं आएगा। और मैं कहा कि जिसनों तुसी खुदा मनते हो मुहम्मद साहब नूं भी तुसी पिक्चर दिखाने हो, उदी पिक्चर भी इंसाना जैसी है, वह भी किसी वक्त महान आत्मा ने आके इस संसार विच कलमे का प्रचार किया, उन्हें दसिया कि कलमा और पवित्र जो आत्मा है जिसने परमात्मा की खोज की है वो एक ही चीज हन, लेकिन मुर्शिद तो बगैर वो सच्चा कलमा मिल नहीं सकता गा, कलमे तो बगैर कदे साडा उधार नहीं हो सकता गा। मेरे मामे सदा विरोध करते सन, आम तौर पर सवाल करते सन कि तैं भगवान देखिया है, रब देखिया है। मैं कहना सा हाँ मैं देखिया है, वो 6 फुट का कद है, उदे दाढ़ी आई है, वो बोलता है, तुरदा है, जिदे ते दयावान होवे उनू आपदा अंदरला स्वरूप भी दिखा दिंदा है, जिथे कि सदाई रहिंदा है। लेकिन जद खोजिया वो सच्चाई का ज्ञान होया, मैनू खुशी है कि हुण वह हजूर दे कलावे विच आ चुके है। पिछले महीनों दे विच मेरी फैमिली दे लोग काफ़ी नाम ले गए है। उस वास्ते मैं मौलवी नूं हमेशा कहिंदा हुंदा सां, मिसाल दे के दसदा हुंदा भी देख प्यारिया इतिहास च पढ़दे हैं कि लैला दा रंग बहुत काला सीगा और मजनू उस ते बड़ा आशक सीगा, उहदा रंग गोरा लिखिया होया है,
किसी आदमी ने तर्क मारी कि देख भाई तू हरड़ दी तरह प्यार दे विच सुक्या बैठा है, खाने वगैरह का तू ख्याल तक नहीं करता गा, वो तो रंग की बड़ी काली है, तू दीन अमान ही उस नू समझी बैठा है। वह कहिंदा हाँ है तो ठीक, पर दुनिया नू अद्धी सूरत ले ली दी दिसदी है, मेरिया अखा विच देखो तो सारी सूरत का अगर दर्शन करो तो तुसी हुरां नू भी मत पाओगे, हुरां कन्नी भी नहीं देखोगे, लेलां दी तरफ ही देखोगे। मेरा गुरुदेव, मैं कई दफा सत्संग दसदा हुंदा कि वह लोई लेके कंबली लेके बैठा सी, क्योंकि पंजाबी का ये लफज बड़ा मुहावरा है, आम तौर से लोग लोई नू कंबली कहिंदे है, तो मैं कहा सीगा कंबली कंबली कहिंदे ते कंबली वाला तू मेरे दिल नू पुछ के देख सोने आ बड़ा नजारा तू। जदों सानू गुरु दी हर अदा प्यारी लगे और साडा उहदे नाल प्यार लग जावे, फिर असीं उहदियां आग्या दा पालन सही मायने च करन लग जाने हैं, क्योंकि फिर प्यारे नू नाराज करन वास्ते असीं कोई बुरियाई नहीं कर सकदे गे। गुर की महिमा अगम है, क्या कथ है कथन हार, इतने पल मन पक्षी है, इतने सतगुर पास, पूर्व लेखे पावने साच नाम देरास। हजूर कृपाल कहिंदे हुंदे सन कि देने वाले का कसूर नहीं, सवाल लैण वाले का है, असी वस्तु अपने भागा अनुसार ही उस तो प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अर्जन देव भी यही कुछ कहिंदे है कि जैसा साडे पूर्वले कर्मा अनुसार लिखिया है, वैसे असी उस महात्मा तो मंग कर सकते हैं, लेकिन वो दे दरबार विच वो दे खजाने विच किसे वस्तु की कमी नहीं हुंदीगी। लेकिन सानू जीवां नू मंगण दा पता नहीं की चीज मंगनी है, क्योंकि गुरु नानक कहिंदा बिन तुध होर जे मंगणा, सिर दुखां दे दुख दे नाम संतोखी है, उतरे मन दी भुख। पूर्व लेखे पावने साच नाम दे आस, सतगुर शरणी आया और नहीं विनास, हर नानक कदे ना विसरो, एहो जीओ पिंड तेरा सास। गुरु अर्जन देव जी महाराज आखरी इको नसीहत करते हैं, जिन्हां नूं नाम मिल गया, गुरु की शरण प्राप्त हो गई है, गुरु ते भरोसा हो गया है, सत्संग दे नाल प्यार हो गया है, कहन लगे उस दा कदे नास नहीं हुंदा, वह फना नहीं हुंदा, वह भी शब्द रूप हो जाता है, सतगुरु नूं शब्द दे विच ही जज्ब कर लैंदा है। आप कहन लगे कि वह बड़े उच्चे भागां वाले जीव है, जिहड़े ऐसे महान हस्तियां दे चरणां विच जाके और अपना टाइम लाउंदे है, उही कड़ी लेखे विच है जिहड़ी उहनां दे पास बैठ के कबीर साहिब कहिंदे कर ली है, वह पक्की हो गई है। परमात्मा दे अगे प्रार्थना करदे है कि हे परमात्मा, सानू ऐसे महात्मा दी शरण भुल ना जावे, तू अपनी दया करके ऐसे महात्मा दे नाल साडा प्यार बनाई रखी, और आपने शब्द दे विच बड़े प्यार नाल समझाया कि मैं गुरु और भगवान नूं अलग अलग बयान नहीं करदा गा। वो कहन लगे कि गुरु और भगवान इक्को ही हस्ती नूं कहिंदे है, और गुरु इस वास्ते उन्ना चिर ही उह बाहर टीचर कहाउंदा है जिन्ना चिर वह देह दे विच है। महाराज सावण कहिंदे हुंदे सीगे बाहर तुसी मैनू संत कह लो, दोस्त कह लो, बुजुर्ग कह लो, बड़ा भरा समझ लो, जो मर्जी है तुसी मैनू पकार सकदे हो, मैं उस ते खुश हैं, लेकिन अंदर चलो
सच्चाई नूं खुद अखां दे नाल देखो।